1 minute story. एक किसान की खेती करते वक्त उसकी घड़ी खो गई। अब वो घड़ी बहुत ज्यादा महंगी तो नहीं थी, पर वो उसके पापा की आखिरी निशानी थी, इसलिए उसे किसी भी हालत में उसे ढूंढना तो था। उसने बहुत ढूंढा पर उससे वो कहीं नहीं मिली। पास में कुछ बच्चे खेल रहे थे। उसने उन बच्चों को बुलाया और कहा कि जो भी मेरी घड़ी ढूंढ कर मुझे देगा मैं उसे इनाम दूंगा। सभी बच्चों ने सारा दिन पूरे खेत में ढूंढा पर वो घड़ी कहीं नहीं मिली। एक और बच्चा आया और कहा कि सर प्लीज मुझे एक और चांस दे दीजिए। किसान ने कहा ठीक है तुम भी ट्राई कर लो। तो वो बच्चा गया, कुछ देर कहीं चला गया और वो जब थोड़ी देर के बाद वापस आया तो उसे वो घड़ी मिल गई थी। किसान ने पूछा कि ये तुमने कैसे किया, कहाँ मिली तुम्हें? उसने कहा ये तो बहुत आसान था, मैं पूरे खेत में जो सबसे शांत जगह थी ना वहां जाकर बैठ गया और वहां से मुझे घड़ी की टिक टिक की आवाज सुनाई दी। जिस डायरेक्शन में वो आवाज आ रही थी मैं वहां चला गया और वहां मुझे घड़ी मिल गई। तो इसी तरह काफी बार हमारे दिमाग में भी बहुत शोर चल रहा होता है और उस वक्त हमें कोई सॉल्यूशन कभी मिलता नहीं है। तो जब भी ऐसा लगे तो कहीं शांत जाकर बैठ जाना, सारे जवाब मिल जाएंगे, क्योंकि खामोशी कभी खाली नहीं होती, खामोशी जवाबों से भरी हुई होती है।